नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन की 86 पर। गवर्नमेंट सेक्टर की सभी एग्जाम के और उनसे रिलेटेड हर वो वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 86 में मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ 10 अप्रैल के करंट अफेयर। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं 10 अप्रैल से रिलेटेड। ठीक है, और हमारे YouTube चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि जो हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी मिल सके। ठीक है, तो सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन 86। ठीक है, को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर दिया कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, शेयर कीजिए वीडियोस को ताकि आपके फ्रेंड्स सर्कल में जो भी तैयारी कर रहे हैं बंदे उन सबको ये वीडियो प्रोवाइड हो सके। और करंट अफेयर तो एटलीस्ट रोज देखना चाहिए, और क्योंकि इसे करंट अफेयर से आपका जो जनरल नॉलेज है वो भी स्ट्रांग होता है थोड़ा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज का क्या क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, विच स्टेट कन्फर्ड द विद द स्टेट ऑफ द ईयर अवार्ड अंडर द बिजनेस लीडर कैटेगरी इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड। ठीक है, तो छत्तीसगढ़। ठीक है, आंसर है आपका छत्तीसगढ़। ऑन फ्राइडे बैक द स्टेट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये इन्होंने फ्राइडे को इनको अवार्ड दिया गया है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, स्टेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, IBLA के थ्रू मिला है ये। IBLA का फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में, नो डाउट कर लीजिएगा, इंडियन बिजनेस लीडर अवार्ड। ठीक है, ये 2018 में हुआ अभी। और बता, ये यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं, यूनियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने इनको अवार्ड दिया है IBLA में। ठीक है, और बता दो इसका एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये अवार्ड जो दिया गया है वो मिस्टर प्रेम प्रकाश पांडे को। ठीक है, प्रेम प्रकाश प्रकाश पांडे को। ठीक है, द अवार्ड वाज रिसीव्ड बाय द छत्तीसगढ़ मिनिस्टर प्रेम प्रकाश पांडे। एक्चुअली ये अवार्ड तो छत्तीसगढ़ को मिला है वो, पर इन्होंने रिसीव किया है। ठीक है, और प्रेम प्रकाश पांडे जो है वो बीजेपी पार्टी से आते हैं। ठीक है, चलिए इतना है काफी आपके लिए और इसको नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए, ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द थीम फॉर द नेशनल मैरिटाइम डे 2018। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है, क्योंकि ये जो रिपीटेशन हो रहा है ये मत सोचिएगा कि आपके एग्जाम में ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो ये आया है तो नहीं पढ़े, नहीं, इसको पढ़ना होगा क्योंकि तो ये थीम्स है। पर मैरिटाइम डे से मैंने एक क्वेश्चन दिया था पहले वाले वीडियो में, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और देखो ये क्या है, थीम क्या है, एज ऑफ द डूइंग बिजनेस इन द मैरिटाइम सेक्टर या कनेक्टिंग इंडिया थ्रू द शिपिंग, और थर्ड है इंडियन मैरिटाइम द अल्टीमेट पावर, या डी है इंडियन शिपिंग एंड ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब बताइए इसका जो थीम रखा गया था वो क्या है, ये याद रखना जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका डेट याद रखिएगा, 5th of April है। ठीक है, इसका जो स्थापना दिवस है मैंने बताया था आपको। चलिए इसका जो आंसर है वो बता दूं आपको, इसका आंसर है डी, यानी कि इंडियन शिपिंग एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये आंसर है इसका, इसका थीम है नेशनल मैरिटाइम डे का, और ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2018 के लिए जो विषय था वो है डी, भारतीय नौवहन एक अवसर महासागर का। ठीक है, ये इसका थीम है इस मैरिटाइम डे का। ठीक है, मैरिटाइम डे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मोबाइल ऐप उजवाहन फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर स्टेट। ये देखिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और इसका नाम है उजहवन। ठीक है, उजहवन, और ये ऐप है किसानों के लिए। किसके लिए है,
ये किसानों के लिए है ऐप। इसमें किसानों को हर वो सब्सिडीज के बारे में इनके बताया जाएगा कि आपकी सब्सिडी कितनी आ रही है। ठीक है, देखिए मैं बता दूं आपको, द ऐप कैन डाउनलोडेड फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड बाय द फार्मर टू द गिव इंफॉर्मेशन ऑन द फार्म सब्सिडी। इनके जो मैंने बताया अभी आपको, जो फार्म से रिलेटेड सब्सिडी मिलती है किसानों को, उसके बारे में ये जान सकेंगे और इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बता सकेगा ये ऐप आपको, जो किसानों से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, खेती से रिलेटेड रहेगा। और ये इस आपको ये भी बताएगा ऐप कि आपके स्टॉक में कितने अनाज हैं, कितने फर्टिलाइजर हैं। ठीक है, और इन ये जो है ऐप को लॉन्च किया है यहाँ के चीफ मिनिस्टर सीएम जो चेन्नई के हैं वो, जिसका आंसर देखिए आप, इसका आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, इसका आंसर है तमिलनाडु। और जो अभी ये जो ऐप लॉन्च हुआ है वो चेन्नई में लॉन्च हुआ है। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, और मिस्टर सॉरी हाँ, यहाँ के जो सीएम है पलन्नी स्वामी। ठीक है, के पलन्नी स्वामी, इनका नाम बहुत टिपिकल है बट पलनी स्वामी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, आप देख लीजिएगा एक बार इसको। ठीक है, ये आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, तो किस राज्य ने सरकार के किसानों के लाभ के लिए मोबाइल ऐप का जुआन का लॉन्च किया? तो तमिलनाडु ने लॉन्च किया, चेन्नई में लॉन्च हुआ है ये। और इस ऐप से क्या क्या फायदे हैं, तो किसान अपने सब्सिडी देख सकेंगे, अपने इंश्योरेंस के बारे में जान सकेंगे और फार्म से रिलेटेड जितने भी सीड्स हैं, कितने स्टॉक हैं उनके, वो जान सकेंगे। ठीक है, और भी बहुत इसके बेनिफिट हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, रिमाइंड कर लीजिएगा एकदम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच डे 15th एडिशन ऑफ नेशनल मैरिटाइम डे वाज सेलिब्रेट। देखो मैंने ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, ये याद रखिएगा, 5th अप्रैल है इसका स्थापना दिवस। ठीक है, और ये 1964 से मनाया जा रहा है दिवस, 5 अप्रैल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अभी अभी ज्वाइन किया इन्होंने। उनका नाम है नेफ्यू रियो। ठीक है, जो सीएम है नागालैंड के, ये 3 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, एक बार 2003 से 2008 तक। ठीक है, फिर 2008 से 13 तक, और फिर एक बार 2013 से 14 के बीच में 1 साल के लिए बने थे। ठीक है, और अभी ये फिर से इनको सीएम बनाया गया है। ये पार्टी से, कौन से पार्टी से आते हैं तो ये भी जान लीजिए आप लोग, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। ठीक है, नेशनलिस्ट डेमोक्रेसिव डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, तो एनडीपीपी पार्टी है वहां की, जो राष्ट्रीय पार्टी है, और वहां उससे बिलोंग करते हैं ये मिस्टर रियो। ठीक है, नेफ्यू रियो इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। ठीक है, और इनका जन्म 1950 में हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, और ये अभी 67 ईयर ओल्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इन विच स्टेट रिसेंटली द सेल ऑफ गुटखा हैज बीन डिक्लेयर्ड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस? दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? हाल ही में किस राज्य में गुटखा बेचने को गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया है? चलिए ये बताइए, ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिसेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में गुटखा को बैन किया गया है, और ये गुटखा को बैन किया गया है। और अगर सपोज आपको गुटखा खाते समय या बेचते समय पकड़े जाते हैं तो नॉन अवेलेबल है ये। ठीक है, और जुर्माना भी है काफी इस पे, तो प्लीज अवॉइड कीजिए जो गुटखा खाते हैं, और ये याद रखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, जो महाराष्ट्र है, हाल ही में उस राज्य में गुटखा बेचने को गैर जमानती
अपराध घोषित किया गया है, तो वह स्टेट महाराष्ट्र। और देखिए दिल्ली में तो अभी सब कुछ चलता है, बिहार में अभी शराबबंदी है, और शराबबंदी है पूर्णतः यहाँ पे भी बहुत गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया है शराब के ऊपर बिहार में, और मध्य प्रदेश में भी अभी सब कुछ चालू। ठीक है, तो अभी महाराष्ट्र और बिहार पे ज्यादा कंट्रोल किया गया है। इन विच सिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच सिटी द हेड क्वार्टर ऑफ द इंडियन ओशन बैंक इज लोकेटेड। इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक कहाँ लोकेटेड है, किस इसका मुख्यालय, इसका हेड क्वार्टर जल्दी बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई या दिल्ली। चलिए जल्दी 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 आंसर कीजिए, अगर नहीं है तो मैं बताता हूँ। इसका है आंसर सी, यानी कि मुंबई। ठीक है, मुंबई में है इसका हेड क्वार्टर, किसका, इंडियन ओवरसीज बैंक का। मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको सारे बैंक्स के ट्रिक्स होंगे हेड क्वार्टर याद करने के, ठीक है, हेड क्वार्टर याद करने के वो सारे ट्रिक्स देंगे, एक वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन की 86 पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच मेडल डिड इंडिया विन द टेबल टेनिस वुमेन्स, ठीक है, इन द कॉमनवेल्थ गेम 2018। बताइए राष्ट्र मंडल खेलों में टेबल टेनिस महिला में भारत को कौन सा पदक मिला है, स्वर्ण पदक, रजत या कांस्य, या ये दोनों, गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज, या बोथ ऑफ ए एंड सी, यानी कि गोल्ड और ब्रॉन्ज, बताइए आंसर है। मैं बता दूं अभी जो टेबल टेनिस में इन्होंने जीता है वो है गोल्ड। ठीक है, रोमेश सोबित, ठीक है, सॉरी, रोमेश सोबित इज द सीईओ ऑफ बैंक, विच बैंक, ठीक है, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, एक्सिस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक या इंडसलैंड बैंक, जल्दी बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रोमित सोबित जो है मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं और सीईओ इंडसलैंड बैंक के, तो बताइए, सॉरी, अब इंडसलैंड बैंक इज द राइट आंसर। इंडसलैंड बैंक के वो अभी सीईओ बने हैं मिस्टर रोमेश सोबित। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका जीके से, और ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हेड क्वार्टर पूछा है इनने WHO का। ठीक है, WHO का एक संस्थान है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। ठीक है, इसका जो आपको हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, पेरिस में, जिनेवा में, वाशिंगटन में या लंदन में। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपके बैंकिंग में, तो इसका आंसर आपको जानना बहुत जरूरी है। इसका आंसर है बी, यानी कि जिनेवा, स्विट्जरलैंड का एक सिटी है। ठीक है, स्विट्जरलैंड एक कंट्री है और उसका जिनेवा एक सिटी है जहाँ पे WHO लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, और ये टॉप 10 है, आप मैं पर डे आपको टॉप 10 क्वेश्चन दिए जाता हूँ ताकि आपके जो करंट अफेयर है वो ऑटोमेटिकली क्लियर रहे। ठीक है, और आप एग्जाम में कहीं फंसे नहीं, और एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन जीके के करके आए, जीए के करके आए, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि मैं आपको ऐसी नोटिफिकेशन आपको लाकर देता रहूं और आप अपने एग्जाम के लिए अग्रसर तैयारी करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो बाय।